तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना हेलो सो वेलकम बैक टू गाइज माय न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए ही होने वाला है। तो आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मैसेज किया था, भाई आप अपनी व्लॉग किस तरीके से एडिट करते हो, तो आपका व्लॉग काफ़ी फनी होता है। तो मैंने सोचा कि चलो इसके ऊपर एक वीडियो बना देता हूँ, हाउ आई एडिट माई व्लॉग्स। तो आप लोग भी अगर यूट्यूब पर वीडियो बनाते हो, इंस्टाग्राम पर शॉर्ट्स बनाते हो, कुछ भी हो, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए मैं एक वीडियो प्रॉपर बना देता हूँ, जिसमें आप लोगों को मैं अच्छी तरीके से बता दूंगा कि मैं किस तरीके से जो अपना व्लॉग है उसको एडिट करता हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट। वीडियो एडिट करना चाहते हो तो उसके लिए काफ़ी सारे एप्लीकेशन है। मैं जो एप्लीकेशन यूज करता हूँ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सॉरी बंदर आ गया था। दोस्तों मैं वीडियो एडिट करने के लिए काइनमास्टर और इनशॉट एप्लीकेशन यूज करता हूँ। ज़्यादातर मैं इनशॉट एप्लीकेशन का यूज इंस्टाग्राम रील्स वगैरह एडिट करने के लिए करता हूँ। अगर आप यूट्यूब शॉर्ट्स पे वीडियो बनाते हो तो आप यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए इनशॉट का यूज़ कर सकते हो, काफ़ी बेस्ट एप्लीकेशन है। और थोड़ा बहुत आप उसमें पेड करते हो तो काफ़ी बेस्ट बेस्ट फीचर्स मिल जाते हैं, फिल्टर इफेक्ट वगैरह। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को काइनमास्टर में बता देता हूँ काइनमास्टर में किस तरीके से आप अपनी व्लॉग्स या वीडियोस एडिट कर सकते हो। तो चलिए डायरेक्ट मैं आपको काइनमास्टर पे लेके चलता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको काइनमास्टर का मोड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है किसी वेबसाइट या ब्राउजर से। अगर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो तो दोस्तों आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। तो जैसा कि मैंने यहाँ से कुछ पार्ट कट किया हुआ है, तो आपको आता ही होगा किस तरीके से पार्ट कट करना है। ये इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे लेयर पर चलते हैं मीडिया इफेक्ट स्टिकर टेक्स्ट एंड राइटिंग और भी काफ़ी सारे मिल जाते हैं ऑडियो म्यूजिक। तो यहाँ से मैंने क्लिक किया बीच वाले ऑप्शन पर और यहाँ से जो साउंड है इसको यहाँ से ऑफ कर दीजिए, या बढ़ा भी सकते हो घटा भी सकते हो। तो मैंने ऑफ कर दिया क्योंकि इसमें काफ़ी सारे मुझे इसमें म्यूजिक लगाना है। तो इसको एक बार क्लिक करके देखते हैं। तो देखिए किस तरीके से जूम हो रहा है। तो जूम कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। इसका भी हम यहाँ से साउंड ऑफ करते हैं और क्लिक करते हैं। एक बार आपको इस तरीके से क्लिक करना है और यहाँ से ऑप्शन मिल जाएगा आपको पैन एंड जूम। तो यहाँ से मैं इस चप्पल वाले जगह को दिखाऊंगा अच्छी तरीके से, क्योंकि इसमें मेरा चप्पल गिर गया था। मैं पुष्पा मूवी का एक्टिंग कर रहा हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से, तो चप्पल गिर गया। मुझे इसे जूम नहीं करना, डायरेक्ट करना है। इसके लिए आपको स्टार्ट एंड एंड पोजिशन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक किया देखिए तो ये इसी तरीके से रह गया। तो मैंने चप्पल पहना इसमें, फिर मैं यहाँ से इसका साउंड ऑफ करता हूँ इस तरीके से। फिर यहाँ से एक बार क्लिक करने के बाद फिर दोबारा से सी पे चलते हैं। अब हम एंड पोजीशन से लेके जाएंगे, तो थोड़ा इस तरीके से आपको क्रॉप कर देना है। रुकिए थोड़ा कट करते हैं कहाँ से कहाँ तक। तो यहाँ से हम इसको कट कर देते हैं ट्रिम टू राइट प्ले हेड पर जाकर। तो ये कट किया इस तरीके से। फिर यहाँ पर जाने के बाद आप लोगों को मैं एंड पोजीशन से कर रहा हूँ बिल्कुल जूम एंड पोजीशन से ऊपर की तरफ। तो एक बार चेक करता हूँ कहीं गलती ना हो गई हो मुझसे। तो इस तरीके से क्लिक किया तो आप लोग देख सकते हो थोड़ा थोड़ा जूम है जो इसमें हो रहा है। तो इस फिर मैं इसमें भाग के जा रहा हूँ। तो इसके बाद दोस्तों आप लोगों को दिखाता हूँ क्या कुछ होता है। तो इस तरीके से मैंने इसको क्लिक किया यहाँ से, तो फिर इसका जो मैं यहाँ से भाग के आऊँगा इसका जो साउंड है यहाँ से ऑडियो पर जाकर इसको फुल कर देते हैं। इसको फुल करने के बाद कुछ इस तरीके से प्लस का साइन आ जाता है, यहाँ से आप ऑडियो एडजस्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ से प्लस पे ऑप्शन पर हमने क्लिक कर दिया, तो देखिए कुछ इस तरीके से। तो अब मैं यहाँ से बाकी गया, इसमें मैंने जो साउंड है पूरा फुल कर दिया है। तो यहाँ मैं फनी साउंड लगाने वाला हूँ। उससे पहले मैं यहाँ पुष्पा का सॉन्ग लगाने के लिए ऑडियो पर जाऊँगा। ऑडियो पर जैसे ही गया मैं दोस्तों, तो दिखाता हूँ यहाँ रिकॉर्ड सॉन्ग्स पे आ जाते हैं जो आपने डाउनलोड किया होगा अभी। तो काफ़ी सारे सॉन्ग है, तो यहाँ फटाफट से आप सर्च कर लीजिए। तो पी से देखता हूँ, पी से होगा पुष्पा, हाँ सॉरी पुष्प सॉन्ग नहीं मिल रहा अभी। तो ये रहा पुष्पा व्हाट्सअप। अब यहाँ से इसको मैंने क्लिक करा और इसका ऑडियो फुल कर दिया क्योंकि अच्छा लगेगा। तो देखिए कुछ इस तरीके से। इतना मैंने क्लिक किया और इस वाले पार्ट को हमको कट करना है इस तरीके से, थोड़ा खींच के लाना है और क्रॉप करना है। और यहाँ लगाऊंगा मैं फनी साउंड। तो देखिए पहले पुष्पा का, तेरी
तो यहाँ से इसको कट करते हैं फटाफट से। ट्रिम पर जाना है और ट्राई टू राइट पे क्लिक करके प्लस वाला ऑप्शन है, सॉरी टिक वाला ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से मैंने क्लिक कर दिया और मैं थोड़ा यहाँ फनी बैकग्राउंड म्यूजिक लगाने वाला हूँ। तो ऑडियो इस तरीके से ट्रिम कर लेते हैं इसको, तो काफी आसान है इस पे वीडियो एडिट करना। तो मैंने तो यहाँ से मेरा जो व्लॉग है स्टार्ट हो गया है। यहाँ से इस तरीके से मैं इसको फुल करूँगा, ऑडियो बिल्कुल फुल ऑडियो है। तो आप यहाँ से इफेक्ट भी लगा सकते हो कुछ चाहो तो, ट्रांजेक्शन, ट्रेवल एक्टिविटी, काफ़ी सारे इफेक्ट आप लोगों को देखने को। दोस्तों मैंने आप लोगों को बता दिया है कि मैं किस तरीके से अपना व्लॉग एडिट करता हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। काफ़ी सारे ब्लॉग्स मैं आप लोगों के लिए इस चैनल पर लेके आता हूँ और रेगुलर ही ब्लॉग्स अपलोड करता हूँ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।